हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं आपके साथ अपने कुछ ऐसे पर्सनल टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी इवेंट के लिए फास्ट रेडी होने में और स्ट्रेस फ्री रहने में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब शादियों का सीजन आ रहा है और शादियों में इतने सारे फंक्शंस होते हैं कि हमको एक के बाद एक बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करने पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ फंक्शन तो हम बड़ी मैनेज तरीके से अटेंड कर लेते हैं, लेकिन धीमे धीमे चीजें गड़बड़ होने लगती हैं और सब कुछ मैश हो जाता है। हमें चीजें ढूंढनी पड़ती है, ड्रेसेस इधर उधर हो जाती हैं, और जब अब भी हम रेडी हो रहे होते हैं तो बाहर से आवाजें आ रही होती है। हस्बैंड बोलते हैं जल्दी करो, कितना लेट करती हो, तक क्या टाइम लगाती हो, बारात आ गई है, फंक्शन स्टार्ट हो गया है। तो इस चक्कर में हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और बहुत सी चीजें हमारे सामने पड़ी होती हैं और हमको नजर ही नहीं आती है। और हमने बहुत कुछ प्लानिंग की होती है कि मैं ये पहनूंगी, वो पहनूंगी, ऐसे रेडी होंगी, लेकिन एन वक्त पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और हम बहुत छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। तो इस चक्कर में हमारा मूड बहुत खराब हो जाता है। और अगर इवेंट आपके खुद के घर में है तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप पर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, आप भाग दौड़ में लगे रहते हैं और जिस दिन इवेंट आता है उस दिन आप बहुत थके थके से लगने लगते हैं। तो इसके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी इवेंट की प्री प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से करें। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। तो होप सो वो टिप्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी और किसी भी इवेंट का भरपूर मजा लेने के लिए आपको बहुत मदद करेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करूं जो आपको हेल्प करे टेंशन फ्री रहने में और फास्ट रेडी होने में। पर सबसे पहले जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर हिट कर दीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैकिंग से। जब भी आप पैकिंग करें तो सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करें कि आपको कितने फंक्शंस के लिए कितनी ड्रेसेस लगेंगी, और अपने मोबाइल के डेटा को लैपटॉप में ट्रांसफर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप फोटो खींचेंगे या वीडियो बनाएंगे तो उस टाइम आपको स्पेस की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप कोई वीडियो डिलीट करना चाहेंगे तो आप कर पाएंगे, ताकि पहले से ही वो ऑलरेडी आपके पास लैपटॉप में सेव होंगी। आप अपनी सभी ड्रेसेस को एक कवर में डालकर रखिए और उस कवर में ही अपने ड्रेस के मैचिंग की ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरीज और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप मिस नहीं करना चाहती उसमें डालकर ही पैक कर दीजिए। अगर बैंगल्स बहुत डेलिकेटेड हैं तो उन्हें आप अलग से बॉक्स में रख दीजिए। इसी तरह सारे ड्रेसेस कवर में डालकर रेडी कर लीजिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी ड्रेसेस के साथ ही मैचिंग की सारी चीज़ें रख दीजिए, जिससे एन वक्त पर एक एक चीज़ ढूंढनी या बतानी ना पड़े। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप उनका ड्रेस का पैकेट उनको पकड़ा दीजिए, जिससे वो खुद से रेडी हो जाएंगे, और बाद में आप उनको टचअप कर दीजिए और अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दीजिए, जिससे आपके लिए आपको खुद को बहुत समय मिल जाएगा रेडी होने के लिए। और सबसे पहले बच्चों को रेडी कर दीजिए ताकि वे अपने कजिन्स या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर पाएंगे और बीच बीच में आपको तंग भी नहीं करेंगे। और छोटे बच्चे हैं तो उन्हें रेडी करके अपने हस्बैंड को सौंप दीजिए। अपनी सारी ड्रेस को इस ऑर्डर में लगाइए कि जो फंक्शंस पहले होने हों वो ड्रेस सबसे ऊपर, सेकंड फंक्शन की ड्रेस सेकंड नंबर पर, और थर्ड फंक्शन की ड्रेस थर्ड नंबर पर, और जो फंक्शंस लास्ट में हैं उनको सबसे लास्ट पर रखिए। और जिन ड्रेसेस को आप यूज़ करते जाएँ उन्हें आप अलग निकाल के रखते जाइए, और जब फंक्शंस फिनिश हो जाएँ तो उनको फिर से अपने सूटकेस में डाल दीजिए। इससे आपकी चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी और मैच नहीं होगा, आपको इजी और आसानी से सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अगर आपके पास ऐसी कोई साड़ी है जो बिना आयरन के नहीं पहन सकते, या कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कड़क कपड़े की होती हैं, या उन्हें पहले से ही उनकी पतली बनाकर आयरन कर लीजिए, ताकि आपको पतली नहीं बनानी पड़ेगी, बस उसे खोलिए और रेडी टू वेयर साड़ी की तरह पहन सकती हैं। इसी तरह आप लहंगे की चुनरियों को एक बार पहनकर प्लीट्स बना लीजिए और शोल्डर की जगह पर एक पिन लगा लीजिए, और उसे उसी तरह खोलकर उसी ऑर्डर में
फोल्ड कर लीजिए और कवर में रख लीजिए, और बस जब इवेंट हो तब आप उसे खोलकर डायरेक्ट पहन लीजिए और एक पिन लगा लीजिए। इससे आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। देखिए, अगर आपको हेयर वॉश करने हैं तो आप एक दिन पहले या मॉर्निंग में ही कर लीजिए, अदरवाइज आपके बाल बहुत फूले फूले नजर आएंगे और हेयर स्टाइल बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको नेल पेंट लगानी है तो एक दिन पहले ही लगा लीजिए, क्योंकि जब आप उसी वक्त अगर नेल पेंट लगाते हैं और जल्दी जल्दी में कहीं ड्रेस खराब होने का भी खतरा रहता है और नेल पेंट भी खराब हो सकती है, तो बेटर होगा आप एक दिन पहले ही नेल पेंट लगा। और अगर आप नेल पेंट लगाना भूल भी जाते हैं तो नेल पेंट लगाने के बाद अपने हैंड्स को एकदम चिल्ड वाटर में 10-15 सेकंड के लिए आप डिप करके रख दीजिए, वो इमीडिएट सूख जाएगी। आईब्रो और वैक्सिंग वगैरह आप 2-3 दिन पहले ही करा लें, अदरवाइज आईज के ऊपर रेडनेस और स्वेलिंग नजर आती है जो कि अच्छी नहीं लगती। आपकी मेकअप की जो भी चीजें हैं उन्हें एक ट्रे में ऑर्डर वाइज लगा लीजिए, ताकि आप जब रेडी हो तो आपको कुछ भी ढूंढना ना पड़े और आपसे कुछ भी मिस नहीं हो। अदरवाइज आप इस तरह का एक मेकअप किट परचेज कर सकते हैं जिसमें अलग अलग कॉलम होते हैं और जिसमें आपका सामान आपस में मिक्स नहीं होता, जिससे आपको रोज रोज सामान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो बात करती हूँ हेयर स्टाइल की, तो आजकल मार्केट में बहुत सारे हेयर स्टाइलिंग टूल्स आ गए हैं, बहुत तरह से तरह के रेडीमेड हेयर स्टाइल आ गए हैं और बहुत तरह के हेयर एक्सटेंशन भी मिलते हैं जो जिनकी मदद से आप किसी भी तरह का हेयर स्टाइल बहुत कम समय में और इजी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें ब्यूटी पार्लर की फैसिलिटी मिले। इनकी हेल्प से आप अपने फ्रंट में कोई इजी सा हेयर स्टाइल बना सकते हैं और बैक साइड इन हेयर स्टाइल टूल्स की मदद से एक अच्छा सा लुक लेके आ सकते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपका टाइम भी बहुत सेव हो जाएगा। और अगर आप लेट हो रही हैं और आपको कार में जाना है तो आप कुछ ज्वेलरी, वॉच और रिंग्स वगैरह अपने पर्स में ही डाल लीजिए, ताकि आप उन्हें कार में भी पहन सकती हैं। और कुछ टचअप की चीज़ें जैसे लाइनर, लिपस्टिक वगैरह आप पर्स में ही डाल लें, ताकि आपका कभी मेकअप खराब होता है तो आप उनको टचअप कर सकती हैं। इवेंट के एक दिन पहले थोड़ा नमक कम लें, नहीं तो वाटर रिटेंशन की वजह से आई पफी हो जाती हैं और फूली फूली लगने लगती हैं। अपने मोबाइल को फुली चार्ज करके रखें ताकि आपको फोटो और वीडियो लेते समय परेशानी ना हो। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप्स? अगर ये आपके लिए यूजफुल हैं तो इनको जरूर यूज कीजिएगा और भरपूर मजा लीजिएगा किसी भी इवेंट का। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।